हे गाइस, हरिकेशा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल है जन्माष्टमी, तो आज प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सारी हो गई है और आप देख सकते हैं कि सोफा को हमने पीछे कर दिया है, मतलब यहां से हटा के और इधर हमने कर दिया है पीछे के साइड में। और इस साइड में हमारा डेकोरेशन होगा क्योंकि हमारा मंदिर जो है ये है, तो इसके पास में ही डेकोरेशन करेंगे, जो भगवान का झूला वगैरह और ये सब लगाएंगे। और ये पीछे कर दिया, डेकोरेशन अभी नहीं करेंगे, रात में करेंगे जब विनाशी सो जाएगी। पार्वती जी को कह रहे हैं, तो भगवान शंकर ने जो पार्वती जी को कहा है वही तुलसीदास जी ने लिखा है। लॉर्ड शिवा टोल्ड टू पार्वती एंड देन सेम लॉर्ड शिवा केम एंड टोल्ड टू तुलसीदास जी आल्सो इन वाराणसी। सो हाउ लॉर्ड अपीयर्ड, सो यू डोंट फील दैट सुत चारे प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। कल तो जन्माष्टमी है, आप राम जी का मतलब जन्म का, क्या हुई है? तुम फोन देखोगी, सब लोग कथा कर रहे हैं जॉब भैया के पास। जय 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 जय।
वाह क्या आराम। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि जो मम्मी बच्चे का इलाज है वो अपनी कितने में करा है? आईब्रो उखाड़ के फेंक देगी। अभी रात के 11 बज रहे हैं और सभी लोग सो चुके हैं, भगवान भी सो चुके हैं, मंदिर भी बंद हो चुका है और इस एरिया में अब मैं जा रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए जन्माष्टमी के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले पॉट तैयार करने जा रही हूँ। ये मेरे पास 2 पॉट है और जिसको चैतन्य ने पेंट किया था बट इसको थोड़ा सा सही करना है। जब तक ये ड्राई होगा तब तक हमारा डेकोरेशन हो जाएगा। तो अब जो है डेकोरेशन पहले करेंगे। तो मैंने 2 टेबल का यूज़ किया है। नीचे वाले टेबल पे मैंने ऐसे नॉर्मल बेडशीट डाल दिया है क्योंकि पूरा फ्लावर से भी कवर होगा। और ये जो है इस पे वेलवेट का ये पूजा का आसन है तो ये मैंने डाल दिया है। इसको मुझे 2 लगाना पड़ा, मैंने सेलो टेप से इसको उन दोनों को अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये एक दुपट्टा लेके और ये कैनोपी टाइप का इसको बना दिया है इस तरीके से। पर अभी मैंने ये दुपट्टा जो है चेंज कर दिया क्योंकि वो वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो अभी मैंने चेंज किया है यहाँ पे। डेकोरेशन हो गया है, अब यहाँ पे भगवान को बिठाना है।
एरिया में मैं थोड़ा सा यहाँ पे वृंदावन थीम बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये गेट टाइप का बनाया हुआ है और इसके अंदर जो भी डेकोरेशन वो थोड़ा बहुत मैं करने वाली हूँ। और ये जो गेट है ये मैंने इससे बनाया है, जम्बलिंग टावर जो मेरे बेटे का ये टॉय है तो उससे मैंने बनाया है। जितना भी डेकोरेशन करना था वो हो चुका है अभी, और आइए मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ जितना अभी डेकोरेशन हुआ है उतने का। अभी इस पे भगवान को हमने बिठाया नहीं है क्योंकि अभी मंदिर मेरा बंद है, तो भगवान जो है अभी मंदिर में है, तो कल मॉर्निंग में फिर यहाँ पे लड्डू गोपाल को बिठाएंगे। जितना डेकोरेशन आज करना था वो हो गया है और कुछ कुछ डेकोरेशन भी कल करेंगे, जैसे फ्लावर वगैरह से इसको कल डेकोरेट करेंगे, इधर भी फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। भगवान को अभी कल झूले पे बिठाएंगे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मंदिर मेरा बंद हो चुका है क्योंकि रात का 1 बज रहा है। तो फाइनली मतलब ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लगे पूरा डेकोरेशन करने में। और ये इधर भी हो गया है, तो कुछ कुछ फ्लावर और कुछ कुछ लगाने हैं, फ्लावर और बलून्स इन दोनों से मैं कल डेकोरेट करने वाली हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।